गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 पे है, क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है यदि cos y बराबर x cos a प्लस y विथ cos a नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध करना है हमें कि dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर a प्लस y बटा में साइन a के बराबर होगा dy बाई डी एक्स। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास दिया है cos y बराबर में x cos a प्लस y, यहाँ पे लिखते हैं डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए देखते हैं, तो cos का माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन y, और y का हो जाएगा यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ u इंटू वी पे करना होगा, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, cos है तो वो तो वैसे ही रहेगा। चलिए, और प्लस, अब की बार x को वैसे रखे, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन हो जाएगा, और फिर आपका आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो a का डिफरेंशिएशन 0 और y का हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स। समझ गए ना, u इंटू वी पे डिफरेंशिएशन कर दिए, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको वैसे ही रखेंगे, प्लस x को वैसे रखे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, और फिर a का 0 और y का dy वाई बाई डी एक्स। माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस जीरो से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, इसको इधर लाते हैं, इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस ए प्लस वाई। ये हो जाएगा ना, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया, समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, तो यहाँ आपका हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस ए प्लस वाई। मैं यहाँ x का वैल्यू अगर क्वेश्चन से निकालना चाहूँ, देखो आपके क्वेश्चन से यहाँ से, तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास cos y बटा में cos a प्लस वाई, यही ना होगा। चलिए इसको रख देता हूँ यहाँ x के जगह, ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें x गायब कर दिया है, तो मैं x का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ cos y बटा में cos a प्लस वाई इंटू ऊपर है आपका साइन ए प्लस वाई और माइनस माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस ए प्लस वाई। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, तो यहाँ हमने एक्स का वैल्यू अभी जो ऊपर निकाला यहाँ रख दिया। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं अंदर, चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लोगे यहाँ पर तो हो जाएगा एलसीएम कॉस ए प्लस वाई। यहाँ देखो ऊपर जो है, ऊपर आप पहले साइन वाले को लिख लो, साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस कॉस वाई माइनस, समझ रहे हो ना, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखो, अब यहाँ कुछ नहीं तो नीचे वन है, वन में इसे डिवाइड होगा, यही आएगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा ना, तो हो जाएगा आपका कॉस ए प्लस वाई इंटू में आपका जो है वह साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में कॉस ए प्लस वाई। ऊपर फॉर्मूला सेट हो रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देख रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ यह फॉर्मूला हो रहा है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी यानी कि ए प्लस वाई माइनस वाई और बटा में कॉस ए प्लस वाई इंटू में डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में कॉस ए प्लस वाई। यहाँ वाई वाई कट जाएगा, भाग वाले को गुना में और गुना वाले को भाग में भेज देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, यह जाके स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा में आपका यह साइन साइन ये वाई है आपका, समझ गए ना, तो ये आंसर आ गया, यही ना प्रूफ हमें करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, यहाँ वाई बराबर दिया है रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस, ये इन्फिनिटी तक ऐसे जा रहा है, हमको यह प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, वाई बराबर दिया है रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही गया है, ठीक है, यानी कि यही रिपीट होते गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक कॉस
एक्स को वैसे ही लिखकर इन सब को हटा के मैं चाहूं तो यहाँ वाई लिख सकता हूँ। समझ रहे ना क्यों? क्योंकि यही इतना इन्फिनिटी तक जाते गया तो एक को ऐसे छोड़ दिए, यह आपका किसका वैल्यू है? आप अगर बताओ इसको छोड़ दो तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है? रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स रूट अंडर कॉस एक्स प्लस, ये कहां तक चला गया इन्फिनिटी तक? एक को ऐसे छोड़ेंगे तो ये सारा जो वैल्यू होगा वो तो आपके वाई का ही ना वैल्यू होगा, तो यहाँ पे वाई लिख दिए। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? तो यहां से आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर से रूट हट जाएगा कॉस एक्स और प्लस में वाई। आप लिखो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए डिफ्रेंसिएट करते हैं, ठीक है? तो इसका टू वाई हो जाएगा और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का यहाँ माइनस का साइन एक्स और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स और सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का साइन एक्स बराबर में जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो तो टू वाई माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन एक्स बराबर जीरो, यही ना आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, वाई बराबर दिया है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक, हमें यह प्रूव करना है। यहाँ भी वही खेल खेलेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखो, y बराबर में दिया है x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस, यही कहाँ तक चला गया है? इन्फिनिटी तक। तो मैं यहाँ पर यहाँ देख रहा हूँ, दिया है x प्लस वन बाई एक्स बाई वन प्लस एक्स वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस x को और प्लस वन और बाई में इसके बाद को देखता हूँ, तो इसके बाद भी वही चीज आ रहा है ना, देख लो x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स यही ना आ रहा है, तो यह किसका वैल्यू है? y का। तो इतना को मैं हटाकर, ये सब को हटाकर मैं लिख देता हूँ y, ठीक है? y लिख देता हूँ। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है? तो डिफ्रेंसिएशन करोगे, चलो तो डिफ्रेंसिएट करोगे तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा dy वाई बाई डी एक्स। अच्छा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 बाई वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? चलिए तो इसको एक तरफ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 1। तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, ये ना बचेगा आपका, ठीक है? और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वन, ठीक है? समस्या अब एक आ जाती है कि ये जो प्रूफ करना था हमारा प्रूफ और इस प्रूफ में अलग है। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन है और यहाँ कुछ और कहानी है। अब क्या किया जाए? लाना होगा ना उतना। तो देखो मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, देखो प्रूफ जो लाना है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस टू इंटू वाई इंटू वन बाई वाई प्लस वन बाई वाई स्क्वायर, ठीक है? और माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस में थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर। आप कहोगे सर ये सब क्या कर दिए? देखो मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इसको इससे काटूंगा तो माइनस टू हो जाएगा और माइनस टू में थ्री प्लस होगा तो वन आ जाएगा और वाई स्क्वायर कटेगा आपका, यही ना बच जाएगा। सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू वन बाई, ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, वाई माइनस वन बाई वाई का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब रही बात इसको हटाने की, सब कुछ तो आ गया इसको हटाने की, तो ऊपर देखो हम लोग जो यहाँ पे लाए हैं, यहाँ से मैं देखूँ x का वैल्यू तो वो होगा y माइनस वन बाई वाई, है ना? x का वैल्यू यही ना होगा सर, ये तो मैं यहाँ पे देख लूँ तो y माइनस वन बाई x का वैल्यू है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर में वन। ये कैसे हुआ? तो समीकरण एक से हमने x का वैल्यू रख दिया, समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, देखते हैं। ये दिया हुआ है, लिख लेता हूँ मैं y बराबर में रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस, यही चला गया है आपके इन्फिनिटी तक, हमें यह प्रूफ करना। बहुत सिंपल है इसका सोल्यूशन, देखो
मैं y बराबर में एक x को ऐसे लिख लेता हूँ और बाकी को हटाकर मैं यहाँ y लिख लेता हूँ, जैसा कि बाकी क्वेश्चन में कर रहा था। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और इधर स्क्वायर से रूट हट जाएगा। सीधे डिफ्रेंसिएशन करो विथ रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा और y का यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ, हो जाएगा 2y dy वाई बाई डी एक्स माइनस का dy वाई बाई डी एक्स बराबर 1। यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेता हूँ तो 2y माइनस 1 dy बटा डी एक्स बराबर में 1, यानी कि यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स बराबर में आ जाएगा 1 बाई 2y माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। 9 नंबर में इतना दिया हुआ है और इसे प्रूव करना है, चलिए इसको लिखते हैं। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर में a इंटू एक्स माइनस वाई, यह दिया हुआ है। हमें dy वाई बाई डी एक्स बराबर दिखाना है कि रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ रूट में है तो 1 बाई 2 रूट अंडर जो है वो तो रहेगा ही और 1 का 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस का 2x होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पर। अब प्लस इसका भी तो 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 का 0 और वाई स्क्वायर का 2y और माइनस है तो माइनस 2y लिखेंगे और y का यहाँ पर dy वाई बाई डी एक्स बराबर। ये तो कांस्टेंट है भैया, ये तो वैसे ही रहेगा और आपका x का 1 हो जाएगा और y का यहाँ dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ देखो, यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। चलिए तो अब आपका यहाँ बचेगा माइनस का 2 तो हट गया है, माइनस का एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ, माइनस का वाई बटा में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, ए से यहाँ इंटू करोगे तो ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इसको एक तरफ कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स वाले को और इसको एक तरफ करते हैं। चलिए तो ये इधर आएगा तो इधर प्लस का हो जाएगा ना, ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ के इधर प्लस का हो जाएगा तो ए प्लस में एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा ए माइनस वाई बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में ए प्लस एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं ना। रही बात आपके प्रूफ की, तो प्रूफ में आप देखो यहाँ पे ए नहीं है तो ए को हटाने के लिए यहाँ से ए का वैल्यू लेना होगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स माइनस वाई। तो यही रखेंगे सब ए के जगह पे, चलिए यहाँ पे रख देते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स माइनस वाई माइनस वाई बटा में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बराबर। यहाँ भी उसी तरह से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स माइनस वाई ए का वैल्यू और प्लस एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है यार, इतना कुछ बना लिया अभी ये बनाने में क्या सोचना है। चलिए बना देते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें इसे भागेंगे कटेगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस इसमें इसे इंटू होगा तो रूट हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। समझ गए ना, दोनों में इंटू कर दिए, माइनस इसमें इसे भाग करेंगे, यह जाके एक्स माइनस वाई इंटू करेगा तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, उधर भी एलसीएम लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से भाग करेंगे, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसमें इंटू होगा तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस इसमें इसे भाग करेंगे, यह कट जाएगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, यही ना आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर काट दो
और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर काट दो, यहाँ देखो एक्स माइनस वाई दोनों तरफ कट जाएगा, ऊपर बटेगा यहाँ पे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई प्लस का वन, और आपके बटा में जो है वो तो रहेगा ही रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए और इधर भी देखो क्या बचा, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई और प्लस का वन, यही ना है जी, माइनस का एक्स वाई प्लस का वन और बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह पूरा टर्म सेम आ गया, कट गया। अच्छा ये डिवाइड वाला उधर मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर बट्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया हुआ है कि वाई बराबर में एक्स प्लस वन बाई एक्स, हमें यह प्रूव करना, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पहले एलसीएम ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वन, या किंटू करेगा तो एक्स वाई बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, चलिए देखते हैं। तो यहाँ यू इंटू बी पे एक्स का वन हो जाएगा, एक्स का वन और वाई को वैसे ही प्लस, एक्स को वैसे रख के वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, यह कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे इसको सीधा करके लिख दो, एक्स डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यह वाई और बराबर में टू एक्स, यही ना प्रूव करना था आपका, आ गया, सिंपल था। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, तो इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। कमेंट जरूर किया करो वीडियो पे आप लोग, ताकि हम लोग को भी थोड़ा लगे यार कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।